नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। देखिए, टाटा एलेक्सी टाटा ग्रुप की एक कंपनी है और सबसे बड़ी बात है टाटा ग्रुप के इस टाटा एलेक्सी कंपनी के ऊपर और हमेशा आपको एक ट्रस्ट क्रिएट होगा, क्योंकि इस कंपनी एक बिजनेस के ऊपर नहीं, अलग अलग बिजनेस के ऊपर, अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी डाइवर्सिफिकेशन करके रखे खुद के बिजनेस को। देखिए, बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज मार्केट में लिस्टिंग हो चुके हैं, अभी टाटा एलेक्सी बर्बाद होगा, क्योंकि टाटा एलेक्सी जो है इसका मार्केट कैप और टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज का जो मार्केट कैप, दोनों के मार्केट कैप सेम टू सेम है। फिर भी एक चीज आप ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत सारे कंपटीशन है, जैसे परसिस्टेंट कभी कभी नंबर वन बन जाते हैं, आज परसिस्टेंट थर्ड पोजीशन में आ चुके हैं, टाटा टेक्नोलॉजी सेकंड पोजीशन में आ चुके हैं, क्योंकि मार्केट पर जितना बड़ा बढ़ेगा उतना ही वो नंबर वन नंबर टू में रहेगा। देखिए, नंबर वन नंबर टू रहने से कुछ फायदा नहीं होगा, कंपनी का परफॉर्मेंस ही सब कुछ है। अगर मैं इस टाटा एलेक्सी के बारे में एक ही बात कहूँ कि कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स हैं वो अलग अलग कैटेगरीज के बेसिस में है। आप देखेंगे कंपनी मैकेनिकल जो डिज़ाइन है उसके ऊपर भी काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल डिज़ाइन के ऊपर काम करते हैं, साथ ही साथ कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, साथ ही साथ वैलिडेशन एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर रहा है, सपोर्टेड बाय द नेटवर्क एंड डिज़ाइन स्टूडियो के ऊपर, ग्लोबल डेवलपमेंट के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो और वो भी वर्ल्ड वाइड बेसिस ऑफिस में, कंपनी सर इंडिया में नहीं बाहर की कंट्रीज में भी बहुत सारे ऑफिस बना के रखे हैं जहाँ पे भी कंपनी काम कर रहे हैं। कंपनी के मेनली जो बिजनेस है वो ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशन एंड हेल्थ केयर। देखिए, चारों ही अलग अलग सेक्टर है, चारों ही बहुत स्ट्रांग सेक्टर है एट फ्यूचर के लिए, कोई भी एक सेक्टर बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि कम्युनिकेशन भी बंद नहीं होगा, मीडिया सेक्टर भी बंद नहीं होगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बंद नहीं होगा और हेल्थ केयर भी बंद नहीं होगा। तो ये कंपनी के लिए खास बूस्ट देने वाले हैं ये सारे मतलब सेक्टर। तो कंपनी के इसीलिए अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिला है। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, कंपनी का जो पी रेशियो है, अगर मैं पी रेशियो के बारे में चर्चा करूँ तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था करीबन 110 के आसपास, और आज पी रेशियो कहाँ पे है 60-70 के आसपास। तो इसका मतलब पी रेशियो में एक करेक्शन देखने को मिला, और फिर भी इस करेक्शन होने के बाद भी कंपनी का जो एवरेज पी रेशियो है वो 54 के आसपास है, और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है 65 के आसपास है। तो 65 और 54 दोनों में ही इसी तरीके से एवरेज का लेवल देखने को मिला है। अभी पी रेशियो के बारे में बात करूं तो पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, तो इसलिए कंपनी को ओवर वैल्यूड कहा जा रहा है। फिर भी बाकी जो डिटेल्स है वो आप देखेंगे तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी देखिए, सेल्स में कुछ कमियां देखने को नहीं मिलेगा, कंपनी कंटिन्यूअसली सेल्स को बढ़ाते चले गए, कंपनी अलग लेवल का सेल्स को मेंटेन्स किए, उस बेसिस में कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी देखिए लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। जैसे कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 227 से 264 के आसपास है, उसी तरीके से अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट देखा है तो 174 से 200 के आसपास है। तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, ऐसे नहीं कि कंपनी पिछले क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाया, हर क्वार्टर्स को कंपनी बीट करके ही आगे बढ़ा है। देखिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होने से पहले एक एस्टीमेट किया जाता है, दो तरीके से एस्टीमेट होते हैं, एक ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, एक क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में। तो इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में दोनों में ही एस्टीमेट देखने को मिल जाते हैं, और दोनों में ही एस्टीमेट के हिसाब से आपको अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले। और एज ए इन्वेस्टर इसीलिए इन्वेस्ट इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया। कितना रिटर्न जनरेट करके दिया चलो मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। कंपनी के रिटर्न रेशियो के बारे में बात करूँ तो कंपनी अलग लेवल का रिटर्न दिया, जैसे आपको हर डेटा देखेंगे 10 साल में करीबन 5,500% के आसपास रिटर्न दिया, 5 साल में कितना 700%, 3 साल में कितना 400%, 1 साल में कितना 20%, 6 मंथ में कितना 10%, 3 मंथ में कितना 15% और 1 मंथ में कितना 12%। तो हर दिशा में देखा जाए तो कंपनी आपको कभी भी लॉस नहीं दिया, उल्टा बेस्ट तरीके से प्रॉफिट भी दिया। इस बेस्ट तरीके से प्रॉफिट के कारण शेयर में एक अच्छा खासा मैसिव जंप भी देखने को मिलता है, और इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर टिके रहते हैं। क्यों ना रहे, जो कंपनी 10 साल में 5,500% के आसपास रिटर्न जो जनरेट करके दिया। बाकी
इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो देखिए, जो लोग मतलब पेशेंट के साथ बने रहते हैं, खुद के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर भरोसा करके वैसे बैठे रहते हैं, उसको जरूर प्रॉफिट मिलता है। जैसे यहाँ पे क्या पैटर्न बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्म भी हुआ, उसके बाद देखिए थोड़ा सा ऊपर गया और यहाँ पे स्ट्रांगली रेजिस्टेंस उसको फेस करना पड़ा, नीचे आए सपोर्ट को रिटेस्ट किया और इस रेजिस्टेंस को देखिए ब्रेकआउट किया और उसके बाद देखिए टारगेट अचीव। तो इसका मतलब किस तरीके से टारगेट अचीव आप देख सकते हैं, और टारगेट कितना मिला 20% के आसपास, और वो भी कितने दिनों में। अगर मैं एंट्री लेवल से टारगेट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 180 दिन के आसपास टारगेट मिल चुके हैं। तो 180 दिन के मतलब है अराउंड 6 मंथ, तो 6 मंथ के आसपास कंपनी टारगेट जब 20%, और इससे बड़ी चीज और कुछ हो नहीं सकता। तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर, जो जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ हर चीज़ों को सीख कर काम करिए, कभी भी किसी कंपनीज के ऊपर ब्लाइंडली निवेश मत करिए कि चलो कंपनीज के ऊपर मैं ट्रेड कर लेता हूँ, ब्लाइंडली निवेश कर लेता हूँ। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर एक शानदार पैटर्न फिर से एक बार बन रहा है, वो पैटर्न मैं अभी आपको साथ शेयर भी कर रहा हूँ डायरेक्टली आपको दिखाकर कि आपको किस तरीके से पैटर्न के ऊपर काम करना है। देखिए यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे एक बिग जैसे कप बना, बिग जैसे क्या बना कप बना, उसके साथ साथ यहाँ पे क्या बना एक हैंडल भी बना, तो कप विद हैंडल पैटर्न बना। फाइनली क्या किया, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी है और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हो चुके हैं। तो देखिए ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस लेवल में ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया, और देखिए मुझे लगता है यहाँ पे एक बिग टारगेट मिलने का चांसेस है। बिग टारगेट का मतलब क्या है, अगर मैं एंट्री लेवल से यहाँ पे टारगेट लेवल तक देखूँ और वो ही लेवल को मैं ऊपर बैठा दूँ, तो आपको टारगेट जो मिलेगा मिलने का जो चांसेस है वो कहाँ तक, वो इसका प्रीवियस लेवल, प्रीवियस जो लाइफ टाइम हाई है उस लेवल के नीचे मिलेगा, 28% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो सोचिए किस हाई लेवल तक इसका टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखते हैं मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है रोसारी बायोटेक। देखिए रोसारी बायोटेक आप सभी जानते हैं एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है, और रोसारी बायोटेक के बारे में एक ही बात कहूंगा कि कंपनीज के ऊपर जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जो सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला कि कंपनी के ऊपर फिलहाल के जो अपडेट्स है वो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला है, क्योंकि केमिकल सेक्टर का जो डिमांड है वो अभी घट चुके हैं। फिर भी इस कंपनी के कोई उतना खास डाउन साइड ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप देखेंगे सेल्स में कमियां देखने को नहीं मिलेगा, उल्टा सेल्स बढ़ चुके हैं। इस बार कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया, उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी 24 करोड़ से 33 करोड़ तक बन चुका है। इसका मतलब कंपनी का जो एस्टिमेट है ईयर ऑफ ईयर बेसिस में और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में दोनों में ही आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। तो कहने का मतलब यह है कि कंपनी के ऊपर जब भी इस तरीके से कुछ पैटर्न्स बने, जब भी इस तरीके से कुछ डेटा अपडेट देखने को मिले, तो उसके ऊपर याद रखना कि कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस होगा। जब खराब सिचुएशन में कंपनी इतना शानदार काम कर रहा है तो अच्छे टाइम में भी कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल जाएगा। तो कंपनीज के देखिए परफॉर्मेंस के वाइज कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे तो होम पर्सनल केयर और परफॉर्मेंस केमिकल्स, उसके साथ साथ टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स, उसके साथ साथ एनिमल्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के 2 R&D सेंटर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, जिस R&D सेंटर के माध्यम से कंपनी आगे बढ़ रहा है, खुद के प्रोडक्ट को अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए तैयारी कर रहा है, और कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च किया जाता है IIT लैब्स में और वो भी बॉम्बे में। तो एक कंपनी के लिए खासियत पॉइंट है, क्योंकि जब कोई भी कंपनीज का रिसर्च सेंटर ज़्यादा रहेंगे और रिसर्च के ऊपर कंपनी ज़्यादा खर्चा कर रहा है तो सोचना उस कंपनी में कुछ बड़ा होने का चांसेस है। तो कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर कितना पैसा लगा रहा है वो देख लीजिए, CWIP में कंपनी 24 करोड़ के आसपास पैसा लगा है। जो कंपनी के फिक्स्ड एसेट 600 करोड़ के आसपास है, नेक्स्ट ईयर में अगर इस 24 करोड़ प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो वो पैसा डायरेक्टली फिक्स्ड एसेट में ऐड होता दिखेगा। उसके साथ साथ अगर मैं एज ए इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूँ तो एज ए इन्वेस्टर तो प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। क्यों है, क्योंकि कंपनी में खासियत पॉइंट जरूर है, तो इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहते हैं। रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न में, तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक शानदार यहाँ पे क्या बना, एक शानदार लेवल का ब्रेकआउट लेवल बना, तो कंटिन्यूसली एक ट्रेन बना, इस ट्रेन के अंदर कंपनी का लेवल बना है। तो मैंने आपको पहले बताया कि जब भी कुछ इस तरीके से कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेन बना तो उसको मार्किंग कर लेना टॉप साइड और बॉटम साइड, और उसको मार्किंग में अगर देखेंगे 20% के ऊपर अगर कोई भी एंट्री बने हैं तो सबसे पहले आपको नीचे टच करना होगा, इस लेवल को टच करके ऊपर जाएगा तो एक इजी तरीके से टारगेट बन सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए वो नीचे नहीं आया, जब नीचे आएगा तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है रिलैक्सो फुटर लिमिटेड। देखिए रिलैक्सो फुटर लिमिटेड
बहुत दिनों तक एटलीस्ट 3 to 4 years कंपनी नंबर वन पोजीशन में था, खुद के सेक्टर में नंबर वन पोजीशन में था। मेट्रो बैंड जब मार्केट में लिस्टिंग हुआ और उसके बाद मेट्रो बैंड नंबर वन बन चुके हैं। मेट्रो बैंड नंबर वन बनने के पीछे रीजन भी है, क्योंकि उसका बिजनेस के मॉडल्स के हिसाब से मैं एक वीडियो आपको शेयर किया हूँ, जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। मेरे प्लेलिस्ट में आप मेट्रो बैंड सर्च करिए तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो रिलैक्सो फूडर के ऊपर कुछ खासियत पॉइंट देखने को क्यों नहीं मिला, क्योंकि कंपनी में बड़ा एक गलती कर दिया। गलती क्या है, मान के चलिए इंडिया में जितने जूते बेचा जाता है, तो जो जूते का जो जोड़िया जो बेचा जाता है उसमें देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोग लग्जरी जूते नहीं खरीदारी करते हैं। मतलब लग्जरी मतलब हाई क्वालिटी का जूता, मतलब ज्यादा का प्राइस है, जहाँ पे 5,000 10,000 की कीमत है एक जूते का कीमत स्टार्टिंग रेंज, तो इस हाई क्वालिटी जूता वो कितने लोग खरीदारी करेंगे, ज्यादा लोग नहीं। तो हर कोई व्यक्ति जूता तो पहनना चाहता है, चाहे वो 200 का हो, चाहे वो 500 का हो, चाहे वो 5,000 का हो, चाहे वो 50,000 का हो, चाहे वो 5 लाख का हो, तो हर व्यक्ति जूता पहनता ही है। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ज्यादा से ज्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दिया। जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट और जो सस्ते दामों का प्रोडक्ट है उसके मतलब प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो इसीलिए कंपनी मार्केट शेयर खो चुके हैं। क्योंकि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर लो क्वालिटी के प्राइस के ऊपर है, हाई क्वालिटी प्राइस के ऊपर ज्यादा कस्टमर नहीं है। तो इस बात को कंपनी को सोचना चाहिए था, मगर कंपनी ने सोचा नहीं, तो इसलिए बिग करेक्शन देखने को मिला। और मैनेजमेंट टीम ने यह भी कहा कि मैंने जो मार्केट शेयर खो चुके हैं वो 2025 तक फिर से वो रिकवरी करेगा, क्योंकि ये जो लो क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं, उसके ऊपर भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब आप समझ चुके हैं कि कंपनी किस तरीके से खुद को रिकवरी कर रहा है। अभी देखिए कंपनी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, जैसे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए रिजल्ट में कुछ कमियां देखने को नहीं मिलेगा, 670 करोड़ से बनकर हो चुके 700 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा और उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 22 करोड़ से बढ़कर हो चुके डबल 44 करोड़ के आसपास। तो कंपनी जो कमेंट्स किया था वो कमेंट धीरे धीरे करके वो रिकवरी भी कर रहा है, और उस बेसिस में मुझे लगता है कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ होने का भी चांसेस है, क्योंकि कंपनी 10 साल 5 साल में तो धमाका रिटर्न दिया, मगर 3 साल और 1 साल में कंपनी का कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, तो टाइम लगेगा इस कंपनी का फिर से रिकवरी करने का। तो कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल चुके हैं। तो बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा करूं तो आप रिलैक्सो के टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखेंगे तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने जा रहा है। तो बहुत बार शोल्डर क्रिएट किया, इसका मतलब फाइनली अगर जब भी ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि एक बात को याद रखना, जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न बना, कोई एक बार का हैंडल बना, दो बार सॉरी एक बार शोल्डर बना, दो बार शोल्डर बना, उसके बाद बिग हेड बना, उसके बाद अगर सोचिए 1 2 3 4 जितनी बार अगर शोल्डर क्रिएट होगा तो हायर पॉसिबिलिटी है जब भी ब्रेकआउट करेगा वो एक बड़ा धमाका करेगा। क्योंकि इतनी बार शोल्डर बनने का मतलब यही है कि जो सेलर है वो सेल तो करना चाहते हैं, तो उससे कई गुना ज्यादा बायर एक्टिव है, तो इसीलिए वो ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है, इस तरीके से आपको स्टडी करना है। तो बाकी देखिए आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम आप देख सकते हैं, कविलपट्टी लक्ष्मी रोलर फ्लोर मिल्स लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, तो इस अपडेट देखने से पहले मैं जरूर कहूंगा कंपनी का मार्केट कैप देखिए। एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, तो इस कंपनी के ऊपर कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार सोच समझ कर लेना। कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है 2 रुपये करके, और आप अगर डिविडेंड पाना चाहते हैं, डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एक बार इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके जरूर करना, क्योंकि ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर निवेश करना बहुत बड़ा गलती होगा। और मेरे वीडियो हमेशा एडुकेशन पर्पज में होता है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से ही करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करके ही करना पड़ेगा। और मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।